अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू आईएसएफ एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपना 10th क्लास का जो है वो मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने अपने जो है लास्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो फर्स्ट 6 पार्ट जो है हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स तक। ठीक है, तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके फर्स्ट 6 पार्ट जो हैं हम वो कर चुके हैं। आज हम जो है इसका उस 7th और 8th पार्ट अपने इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट जो है वो क्या है। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो है क्वेश्चन वो कहा जा रहा है कि सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से ही सॉल्व, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं जी, 7th पार्ट हमारे पास क्या है जी। 3 over x minus 6 minus 4 over x minus 5 is equal to 1, ये है हमारे पास इक्वेशन। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। तो देखिएगा, मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, वो जो नंबर है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें। देखें, डिनोमिनेटर में x माइनस सिक्स और x माइनस फाइव है। अब देखें, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई दी अबव इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है ऊपर वाली इसको मल्टीप्लाई करवा दें बाय x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव, यानी कि ये जो टर्म है ये जो नंबर है इसके साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं x माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इंटू थ्री ओवर एक्स माइनस सिक्स, यानी कि इस पूरी के साथ ये टर्म आ गई। इसी तरह ही इस पूरी के साथ ये टर्म आ गई। इसी तरह इधर 1 पड़ा है तो 1 के साथ भी ये टर्म आ गई। क्लियर है? अब नीचे x माइनस सिक्स है तो x माइनस सिक्स से x माइनस सिक्स कट गया, बाकी जो बच गया वो हमने ये लिख दिया। सिमिलरली x माइनस फाइव से x माइनस फाइव कट गया, बाकी जो बच गया वो हमने ये लिख दिया। इधर इसी तरह ही ये 1 है तो ये नंबर एज इट इज़ ही आ गया। अब इसके आगे क्या किया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 15 आ गया। ठीक है, ये माइनस को अभी बाहर ही रहने दिया। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, 6 4 24 आ गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू ये x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर आ गया, x को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 5x आ गया, ये माइनस के 6 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस के 6x आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 6 5 30 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब क्या किया, 3x एज इट इज़ माइनस के 15 भी एज इट इज़। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस के 4x हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस के 24 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, माइनस के 5x और माइनस के 6x ये हो गए माइनस के 11x और ये प्लस 30 आ गया। अब ये देखें, 3x और माइनस के 4x तो ये आ जाएगा माइनस के x। ठीक है, इसी तरह ही माइनस के 15 और प्लस के 24 तो ये आ जाएंगे प्लस के 9 इज इक्वल टू ये क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस के 11x और प्लस के 30 एज इट इज़। अब इन दोनों को हम इक्वल टू की राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, एक्स इधर माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 9 इधर माइनस के उधर जाके इधर प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जी, इधर 0 रह गया, ये दोनों को हम उधर ले गए हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ ये माइनस के 11x, जब ये x इधर आया तो ये प्लस के x हो गए। इसी तरह ही ये प्लस के 30 इधर ही पड़े थे, जब ये 9 इधर से इधर आया तो ये माइनस के 9 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आगे क्या करना है, एक्स स्क्वेयर आगे देखें एज इट इज़ ये माइनस के 11x और प्लस के x ये माइनस के 10x हो जाएंगे, और 30 में से 9 गए तो ये प्लस के 21 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जी जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो आगे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। आपको पता है जो एक्स स्क्वेयर के साथ नंबर होता है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया। एक्स के साथ जो नंबर होता है वो बी होता है तो बी इज इक्वल टू माइनस 10। सिमिलरली कॉन्स्टेंट टर्म सी होती है तो सी इज इक्वल टू 21 आ गया। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। इसमें जस्ट ए बी सी की वैल्यूज प्लग कर दे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस बाहर, b की वैल्यू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, अब फिर b की वैल्यू माइनस 10 का स्क्वेयर माइनस 4 ये वाला, और a की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 लगा दी, और c की वैल्यू कितनी है 21 तो 21 लगा दी, और नीचे 2a है ना तो 2 into 1 आ गया क्योंकि a की वैल्यू
वन है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें माइनस माइनस प्लस के टेन हो गए, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, माइनस टेन का स्क्वेयर क्या होता है 100, और ये माइनस और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये 84 आएगा, ठीक है। और नीचे 2 1 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं 100 में से 84 माइनस करें तो 16 आता है, तो ये आ गया 10 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 16 ओवर 2। अब स्क्वेयर रूट 16 का आंसर आता है 4, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब एक दफ़ा प्लस के साथ रख लो, एक दफ़ा माइनस के साथ रख लो, तो एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। तो जब 10 प्लस 4 किया तो ये होता है 14, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 लिख दिया और नीचे 2 ही है। आप कटिंग कर दी, 2 1s are 2 7s are, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। इसी तरह ही x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 था ना, तो 10 में से 4 गए तो 6 आ गया, तो ये 6 लिख दिया, और नीचे 2 है तो ये नीचे 2 आ गया। इधर भी कटिंग की, 2 1s are 2 3s are 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, 3 and -7। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8th पार्ट है वो हमारे पास क्या है, आइए अब हम वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट में हमारे पास है जी x+2 over x-1 -4 x over 2x = 2 × 1/3। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे ये देखिए, मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज लिखा। अब सबसे पहले इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, ये आप लोग 6 7 8 क्लासेस में अपनी जो है करते आ रहे हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई के बाद उसमें उस आंसर को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो देखें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 आंसर क्या आया 6। उस 6 को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर दें, ऊपर वाले में ऊपर क्या पड़ा है 1, तो 6 + 1 = 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 और नीचे वाला नंबर एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 7/3। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो नंबर पड़े होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ताकि जो नीचे नंबर पड़े हैं वो कटिंग हो जाए और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए ना। तो देखिए इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये फॉर्म बनती है 3 × x - 1 × 2x, ठीक है। अब इसको हमने ये देखें मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय दिस नंबर, तो देखें 3 × x - 1 × 2x, इसको हमने इस वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये x+2 over x-1, ठीक है। यहाँ पे x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, सिमिलरली माइनस ये वाला और फिर 3 × x - 1 × 2x ये नंबर और साथ 4 − x over 2x। अब 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बच गया वो हम देख लेंगे, इज इक्वल टू अब फिर 7 के साथ भी 3 × x - 1 × 2x, जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे है हमारे पास 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बकाया बच गया वो आ गया 3 × 2x × x+2, फिर दरमियान में माइनस और इधर 3 और ये x-1 और ये 4 − x, ये इक्वल टू और ये इधर x-1 2x और 7। अब हमने क्या किया, 3 2s are 6, तो ये हो गया 6x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, ये अभी एज इट इज ही रखा, फिर माइनस, ठीक है, और ये 3 बाहर है, ये x-1 को 4 − x से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये देखिए x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x हो जाएगा, x जब x से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस और x स्क्वेयर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और 4 1s are 4 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस और 1 × x आ गया, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू इस साइड पे हमने क्या किया x-1 को एज इट इज लिख दिया और 7 2s are 14x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये लिख दिया, क्लियर। अब इसके बाद देखें इस 6x को अंदर x+2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो जाएगा 6x2, जब ये 6x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x2 हो जाएगा और जब ये 6x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस के 6 2s are 12x हो जाएगा ना,
ठीक है। उसके बाद ये माइनस थ्री एज इट इज़ ये भी चल रहा है, ये देखें ज़रा ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व किया तो ये 4x है और ये x है, तो इसको हमने लिख दिया 5x और ये माइनस के एक्स स्क्वेयर थे, ठीक है। इसको माइनस के एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ रहने दिया, जस्ट हमने किया क्या, इसमें 4x और x को ऐड करके 5x लिख दिया और ये माइनस के 4 भी एज इट इज़ रह गए, इज इक्वल टू, इधर हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब 14x x से मल्टीप्लाई होगा तो 14x स्क्वेयर हो जाएगा, और जब 14x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 14x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हमने क्या काम किया, ये देखें 6x स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया प्लस के 12x एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस के 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस के 3x स्क्वेयर हो गया, ये देखें। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, और 5 3 15 होता है ना, तो 15x आ गया, ये देख लिया, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 4 3 12 होता है, तो ये प्लस के 12 आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू 14x स्क्वेयर माइनस के 14, यहाँ तक हमने ये कैलकुलेशन कर ली। इससे नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये 6x स्क्वेयर और ये 3x स्क्वेयर, ये 9x स्क्वेयर हो देंगे, ठीक है। ये 12x और ये माइनस के 15x, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 3x आ जाएंगे। इसी तरह ही ये 12 एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 14x स्क्वेयर माइनस 14x, ओके। अब इन तीनों को हम इक्वल टू की राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो इधर जीरो रह जाएगा, इज इक्वल टू ये 14x स्क्वेयर, ये 9x स्क्वेयर इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस के 9x स्क्वेयर हो गया, ये माइनस के 14x, ठीक है। ये 3x इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस के 3x हो गया, और ये 12 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस के 12 हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू 14x स्क्वेयर में से 9x स्क्वेयर माइनस हुए तो 5x स्क्वेयर आ गया, ये माइनस के 14x और प्लस के 3x करेंगे तो माइनस के 11x आ जाएगा, और ये माइनस के 12 एज इट इज़। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। तो फिर यहाँ भी आपको पता है जो x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट होता है वो होता है a, यानी कि a इज इक्वल टू 5 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 11 आ गया, और c इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करेंगे और हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप देख सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये जो a, b, c की वैल्यूज़ है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लग कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बाहर b की वैल्यू माइनस 11 प्लस माइनस स्केयर रूट b का स्केयर है ना, तो माइनस 11 का स्केयर माइनस 4 एज इट इज़। a की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 12, और नीचे 2a है ना, तो 2 इंटू 5 आएगा क्योंकि a की वैल्यू है 5। अब आप देखें ये माइनस माइनस प्लस के 11 हो गए, प्लस माइनस स्केयर रूट, माइनस 11 का स्केयर होता है 121, और जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करने से 240 आंसर आ जाएगा, और नीचे 5 2 10 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू आ गया 11 प्लस माइनस स्केयर रूट, आप इनको ऐड करेंगे तो 361 ओवर 10, स्केयर रूट 361 होता है 19, ठीक है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ रख लिया, तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10, और x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10। जब 11 में 19 को ऐड किया तो होता है 30 ओवर 10, 10 वन ज़ार 10 थ्री ज़ार, ठीक है जी, 10 वन ज़ार 10 थ्री ज़ार, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह ही 11 माइनस 19 किया तो वो आया माइनस 8, और नीचे है 10, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, तो एक आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस के 4 ओवर 5। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, माइनस 4 ओवर 5 एंड 3, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। तो आज जो हमारा आज का लेक्चर था वो यहीं तक था, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।